देखिए ये तो बीजेपी सरकार का ही निर्णय था, जिस समय जून महीने में बिहार के कैबिनेट ने फैसला लिया उसमें आरजेडी उस सरकार में शामिल नहीं थी। तारकिशोर जी डिप्टी सीएम थे, सम्राट चौधरी थे उस सरकार में, तो ये बीजेपी की सरकार का ही फैसला है। फिर तो उसके बाद हम लोग तो अलग हो गए। तो जिस तरह से इन्होंने ये जातीय गणना के काम को करवाया है, और इसलिए जो भी सवाल उठे सुप्रीम कोर्ट हाईकोर्ट के अंदर एक का भी जवाब नहीं दे पाए। तो आज अगर हाईकोर्ट ने अगर अंतरिम स्थगन आदेश दिया है, इसके लिए पूरे और पूरे तौर पर नीतीश कुमार और बिहार की सरकार जिम्मेवार है।